बिहार के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की रिहाई का मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। चंद्रकेश्वर प्रसाद ने शहाबुद्दीन की जमानत रद्द करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर 19 सितंबर को सुनवाई होगी। इससे पहले आज वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी सुप्रीम कोर्ट में शहाबुद्दीन की जमानत रद्द करने की याचिका दायर की है। रिहाई के बाद से ही प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि इस तरह के खतरनाक तत्व को जमानत पर रिहा करना ठीक नहीं है। वहीं इस बीच सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई है। मामले को दिल्ली ट्रांसफर करने और जांच सीबीआई से कराने की मांग उनकी ओर से की जा रही है। इसके साथ ही शहाबुद्दीन और तेज प्रताप के खिलाफ अभियुक्त को छिपाने के लिए मुकदमा दर्ज करने की गुहार भी लगाई गई है। शहाबुद्दीन की रिहाई का विवाद अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। ऐसे में शहाबुद्दीन की मुश्किलें बढ़ सकती है। देखते रहिए टीवी लाइव।